हेलो मैं यूट्यूब फैमिली सुप्रभात, कैसे आप सभी लोग, आई होप कि आप ठीक होंगे और बेबी ठीक हो। तो गाइस सबसे पहले मेरा नमस्कार और पहला तो मैं आ गई हूँ फिर से नए ब्लॉग के साथ और नए ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं नए दिन की नई सुबह से। तो गाइस ब्लॉग की शुरुआत कर ही लेते हैं। तो आज जो घड़ी आई गई है जिसका हमको बरसों से इंतज़ार था, बरसों से नहीं एक साल से इंतज़ार था। तो गाइस अभी हम शादी के लिए तैयार हो गए हैं और ये रहा मेरा लुक, पहाड़ी लुक। तो गाइस यहाँ पे सब मेहमान लोग भी आ गए हैं, कोई तो कल आ गए थे और आधे अभी आए। तो ये जो आ रखे ये अम्मा के मायके के हैं, तो अम्मा ये बुबू लोग तो वहाँ से आ रखे हैं। और ये अम्मा मेरी मौसी की अम्मा है, दोनों भैया की दादी हैं। तो प्रणाम, मैं भी मिली हूँ। तो गाइस सब तैयार हो गए हैं और नाश्ता करने के लिए गए हैं नीचे, और दूल्हे की गाड़ी ये रही और हिन्नू नीचे ब्लॉग बना रही है वहाँ पर। पापा भी नीचे ही हैं और चाचा भी नीचे ही हैं। और यहाँ पे छोलिया अभी आगे जो हमारे पहाड़ के उत्तराखंड के डांसर हैं तो आगे हैं छोलिया। तो गैस अब सब तैयार हो गया ना। तो गैस अभी मुकुट लिख रहे हैं दुल्हे राजा के, तो मैं अंदर जाती हूँ और नाश्ता करने के लिए फिर जाऊँगी और यहाँ पे रहे बुबू। तो गैस मैं अंदर चले जाती हूँ क्योंकि वहाँ बुला रहे हैं मुझे और मुकुट लिख रहे हैं। तो मैं अंदर जाती हूँ एक बार और आपको भी दिखाती हूँ, अंदर जा रही हूँ। ये रहा लक्कू। तो गैस लक्कू का लुक ये रहा, जूते। लक्कू कहाँ जा रहे हो शादी में, चश्मा कहाँ आपका? हाँ, तो गैस मैं अंदर जा रही हूँ और यहाँ पे मुकुट लिख रहे हैं भैया का। तो यहाँ पे मुकुट लिखा जा रहा है, इसमें थोड़ा सा तो ये लिखा जा रहा है मुकुट भी। जब मीटर जीरो कर गए तो फाइनली भैया मेरा दूल्हा बन ही गया है, बन रहा है, बन ही गया है। तो गाइस अब अभी सहरा आ देगी अपने देवर को, आगे मिलो बैठ के दूल्हे का सेहरा बन चुका है। अब मैं बाहर जाती हूँ एक बार। सेहरा भी बन चुका है और बाहर डांस कर रहे हैं। नाश्ता नहीं कर रखा हिना और मैंने, तो नाश्ता करते हैं इसका, थोड़ा फोटो शूट करेंगे और फिर डांस करेंगे, तो फिर चलेंगे हम बारात ही। तो गैस मिलेंगे हम आपको थोड़ी देर। तो गैस दीदी रेडी हो चुकी है और दीदी का फाइनल लुक ये है, पिछोरा। बाकी लहंगा तो आप देख ही रहे होंगे, बहुत अच्छे लग रहे हैं पहाड़ी लुक। पिछोरा और पहुंची नाथ नाथ स्कूल ग्लो बंदनी हो गए। तो गैस ये रहा मेरा फाइनल लुक और अभी घर में आए हैं नाश्ता यहाँ पे, क्योंकि अब बारात दूध है, तो इस बार थोड़ा डांस वांस करेंगे और एक बार नाश्ता कर लेते हैं क्योंकि फिर वहाँ पता नहीं किस समय खाएंगे हम लोग। तो थोड़ी बहुत सुबह से खाली पेट जाते नहीं हैं यहाँ से, तो थोड़ा कुछ खा लेते हैं। तो गैस एक बार नाश्ता कर लेते हैं, फिर मिलते हैं हम आपको थोड़ी देर में। तो गैस नाश्ता पानी भी हो गया है और सब लोग नीचे गए नाश्ता करने के लिए, और मौसी और मैंने यहाँ किया और हिन्नू ने। तो गैस कल के ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि मेरी बहुत हो गई थी, तो मैं ब्लॉग नहीं बना पाई, बस हल्दी का ही बनाया, हल्दी और सवाल पथाई का। तो महिला संगीत का आप हिन्नू ब्लॉग से मैंने देखी होगी वैसे। तो गैस सब मेरे बड़े चलती हूँ मैं, और नीचे महसूस हो रहा है तो मुझे बुला रहे हैं। Thank you.
बस आपको कैसा लग रहा गाड़ी में? और मैं इसके साथ फील हो रहा है, बहुत बढ़िया, बधाई हो। तो गैस ये रही दूल्हे की गाड़ी। तो गैस हम निकल रहे हैं घर से और हम जा रहे हैं दूल्हे की गाड़ी में, भावना, मैं और लक्कू गुन्नू। तो हम चारों जा रहे हैं इसमें और पंडित जी हैं आगे से। तो गैस चलते हैं। और तो गैस हम अभी मंदिर में रुके हुए हैं। तो गैस यहाँ पे दुर्गा माता का मंदिर है, तो यहाँ पे आते जाते जब आगे काम होता है, यहाँ के पीछे होता, तो यहाँ पे दिया बाती करते हैं, पूजा पाठ करेंगे और फिर चलाएंगे। तो पापा अभी दिया जलाएंगे यहाँ पे, तो पापा आ रहे हैं, अगरबत्ती जलाएंगे। और ये रही शादी की गाड़ियाँ पीछे तक, तो गैस देखिए और पीछे भी है गाड़ियाँ। तो सबसे आगे है निशान वाली गाड़ी, जिसमें निशान आगे रहे, निशान जो निशान है और ये है। तो सबसे पहले नीलू जा रही, फिर दुल्हे की गाड़ी जा रही जिसमें हम लोग बैठे हुए हैं, और पीछे से हैं और गाड़ियाँ। और यहाँ पे हिनू ब्लॉग बना रही है और हिनू का फाइनल ब्लॉग ये है, और ये है मेरी सिस्टर भावना। तो गैस यहाँ पे पूजा कर लेते हैं एक बार। तो गैस पूजा हो गई यहाँ पे, अगरबत्ती चला रही, अब हम जाते हैं सीधे दुल्हन के घर। चुके हम और यहाँ पे है जल पान की व्यवस्था। तो गोवा लोग को खाने भी लग गए हैं, नमकीन और चाय। चाची भी, चाची क्या पी रहे हो, जूस है या कुछ और, या दारू? लाल बोतल है, लाली दिख रहा है वो शायद। आपके समझी लोग पता नहीं क्या पिला रहे हो। तो गाइस तू छे बड़ी खराब, लाल करो रे, नस में जी चूर है गयी। तो गैस मैं भी जलपान करती हूँ, फिर जाते हम सीधे दुल्हन के घर पे। दिखाओ गैस, जलपान करते हैं। और ये रहा मेरा बेटा अकू, ये देखो मेरा बेटा, ये देखो मेरा बेटा हीरो बन रहा है। आपको ये हमेशा खिलाते रहते हैं। तो कैसा लग रहा है मामू शादी में आके, कैसा लग रहा है बताओ? हाँ खा लिया, दांत दिखा, दांत दिखा, डांस ही नहीं किया, दांत दिखा, बिस्किट नमकीन खाने से दिखा। तो गैस चाय पानी पी लिया है, अब मैं जा रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे गेट पे है लड़कियाँ दुल्हे की सालियाँ, तो उन्हीं से मिलने के लिए जा रही हूँ। तो गैस मैं पहुँच गई हूँ गेट पे। हेलो, हाय, कैसे हो? और ये रहे नानू गड़िया, सभी पहचानते होंगे इंस्टाग्राम से। तो ये भी हमारे साथ ही आए थे वहाँ से। तो यहाँ पे खड़े हैं ये अपने जीजा जी के इंतजार में, स्वागत के लिए जो आएंगे आएंगे। तो गैस आगे वहाँ से इनके जीजा जी, अब इंतजार खत्म हुआ तो आगे हैं। Yeah.
रात पहुँच चुकी है दुल्हन के घर और मंडप में हो रहा है काम जो पंडित जी द्वारा और दुल्हे के पिताजी दूर से करेंगे उसको हमारे पहाड़ी भाषा में। तो आप क्यों हम पता नहीं क्या कहते हैं अलग अलग गांव में अलग अलग जगह अलग अलग भाषा के नाम रहेगा। तो यहाँ पे खाना खाने लग गए हैं और सारे लोग खाना खा रहे हैं। तो जो जो भी हमारे चैनल का सब सब्सक्राइब कर देना कर दिया। तो गैस इन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है। तो खाना खा रहे हैं, कैसा बना है खाना बनाया। तो गैस मैं भी खाती हूँ और लोगों को भूख लगी है बहुत ज़्यादा, सुबह से परेशान कर रहा खाना खाना करके। तो ये रहा लखू, तो हम खाना खाएंगे ना लखू। तो ये कुकड़ लेके आ गए खाना, पेट भर भर के खाएंगे। क्या क्या बनाया, ये रहा खाना और ये मैं और ये मैं खा रही हूँ। तो गैस मैं घर अपने बच्चों को खिलाती हूँ। तो खाना खा रहे हैं मैं थोड़ी देर। तो गैस खाना खाने जा रही थी मैं, तो यहाँ पे मेरे सब्सक्राइबर मिल रहे हैं। तो अच्छा लगता है सब्सक्राइबर मिल के, तो लाइक कर देना। तो ये खाना खा रहे हैं। आप बरेती हैं जल्दी? हम बरेती हैं। क्या बरेती, रास्ते में नहीं देखा था ना क्योंकि हम गाड़ी में बैठ गए थे। तो ये लोग सब खाना खा रहे हैं, सब बरेती खा रहे हैं शायद अभी। और ये मौसी की लड़की है निर्मला, ये इसको पहली बार ब्लॉग में देख लूंगी। अभी मेरी मौसी की लड़की है, इसकी शादी में गई नहीं। अरे तू होरा से बाहर है, छुट्टी होगी तो बच्चों की छुट्टी नहीं थी तो मैं गई नहीं। तो गैस मैं पहले खाना खा लेती हूँ, फिर मिलती आपको मैं थोड़ी देर। तो गैस सब लोगों ने खाना खा लिया है और सब लोग खाना खा के भी आ गए हैं। बरती ने तो सबने खा लिया, भूख ही खाएगी शायद। तो यहाँ पे बना है मंडप और हमारा तो बैठे हैं आप बैठी है। तो गैस थोड़ी देर में जयमाला होगी, इसके बाद फिर होंगे। तो गैस मैं मिलूंगी आपको जयमाला के समय, तब तक मेरे ऐसे बने रहे। तो गैस मैं मिलूंगी आपको जयमाला। यहाँ पे हो चुकी है दुल्हन की एंट्री, अब थोड़ी देर में होगी जयमाला। तो साथ में फोटो शूट भी हो रहा है, वीडियोज ही बन रहे हैं शादी की, वो हर शादी में ही होती है आपको पता ही है। तो ये रहा नया जोड़ा, नए कपल। चलो रे माला हो गया। अब यहाँ पे चल रहे हैं फोटो शूट दुल्हा दुल्हन के। ये रहे कैमरामैन भैया। पापा भी चले गए हैं आशीर्वाद देने के लिए और फोटो शूट कराने के लिए। मम्मी नहीं है तो पापा ही पापा गए हैं अभी, तो घर जाके देंगे मम्मी के साथ जोड़े में आशीर्वाद नई दुल्हा दुल्हन को। तो आगे पापा आशीर्वाद देख अपनी छोटी बहू और बेटे को देखे आगे पापा आशीर्वाद। तो कैसे भी यहाँ पे फोटो शूट ही हो रहा है और आशीर्वाद भी दे रहे हैं। मंडप में आ चुके और यहाँ पे आदान प्रदान की विधि चल रही है। मतलब जो दूल्हे का सामान है वो दुल्हन को देंगे और जो दुल्हन के वहाँ का सामान है वो दूल्हे को देंगे। मतलब मिठाई उठाई और जेवर हेवर और वस्त्र वस्त्र जो जो होते हैं, क्रोशी की टोपी होपी जो दे दी है। उससे पहले मैंने ब्लॉग नहीं बनाई थी क्योंकि मैं यहाँ पर नहीं थी उस समय। तो अभी भी आदान प्रदान हो रहा है, देखिए यहाँ उसमें है मिठाई उठाई।
देखिए मेरा हाल इस तरह का है, बारिश के वजह से मैंने लहंगा यहाँ पहुँचा रखा है, तो बारिश इतनी हो रही है क्या बताऊँ। तो बारिश की वजह से तो मैं आपको क्या कहते फेरे भी नहीं दिखा पाई, और शादी का भी पता भी नहीं चला क्योंकि हम अंदर चले गए थे, लखू और मैं दीयू भी आई थी ना, तो हम तीनों अंदर चले गए थे तीनों सारे, तो हमने फेरे भी नहीं दिखे, हमने नहीं देखे तो आप लोगों को क्या दिखाती हैं। तो वैसे हर हम घर जा रहे हैं और बारात की जैसे आ रही है, क्योंकि बच्चे आगे चले गए थे, लखू आगे चले गया और धीरे धीरे सब लोग जाने लगे हैं बारिश के वजह से। तो हम सीधे चलते हैं और मिलेंगे हम आपको सीधे चरण पे, क्योंकि रास्ते में तो ब्लॉग नहीं बना पाऊंगी मैं। और देखिए कैसे यहाँ पे सबको कभी कितना मस्त आ रहा है, देखिए और मौसम देखिए पहाड़ों में, देखिए बादल छाए हुए हैं, कितना खतरनाक मौसम हो रखा है आजकल। आई होप ये कुछ समय बाद ठीक हो जाए, मतलब कुछ मिनटों के बाद बारिश रुक जाए हम तो घर पहुँचे तक। तो गैस फिलहाल चलते हैं और ऐसे चलना पड़ेगा गाड़ी तक, फिर इस बार गाड़ी में बैठेंगे तो अच्छा लगेगा इसके बाद। तो गैस अभी चलते हैं और मैं मिलूंगी आपको सीधे चलो घर जाते हैं। वेलकम गृहलक्ष्मी। तो गाइस फाइनली मेरी छोटी भाई की दुल्हन भी आ गई घर पे, तो दो दो बहू होगी हमारे, बधाई हो महेश, बधाई हो। तो गाइस बोलो, तो गाइस फाइनली शादी हो गई देवर देवानी की और हिनू का भी, के बधाइयां हमारी ओर से, हमारे फैमिली की ओर से वेलकम है देवानी जी का। देवर जी तो फैमिली के थे, बहू का वेलकम बोलो। वेलकम मंत्रालय का वेलकम। ये कपड़े खोल के जाते हैं, फिर दूसरों के कपड़े खराब हो गए हैं। तो गाइस फाइनली हम घर पे पहुंच चुके हैं और दुल्हन भी आ चुकी है, नई दुल्हन हमारे घर पे। तो आप लोग मुझे बधाई देंगे और मेरे परिवार वालों को बधाई देंगे, तो सबको धन्यवाद। मुझे पता है आप बधाई तो जरूर दोगे कमेंट में, तो उसके लिए पहले से धन्यवाद। तो गाइस हम कपड़े वपड़े चेंज करते हैं और नई दुल्हन का स्वागत भी कर दिया हमने, तो अभी वो भी कपड़े चेंज करने के लिए गई है और हम भी करते हैं। तो गाइस आज के ब्लॉग की एंडिंग भी तो करते हैं, अगर आज के ब्लॉग आपको पसंद आते तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं मिलूंगी अगले ब्लॉग के साथ। और जो मेन मोमेंट था वो सात फेरों का, वो मैं नहीं दिखा पाई क्योंकि उस टाइम बहुत बारिश हो रही थी, तो उस टाइम बच्चों को लेकर मैं अंदर चले गई थी उम्मीद के वहाँ भूमि लोग के वहाँ, तो उस वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पाई समय, तो उसके लिए सॉरी। तो गाइस अभी के लिए बाय, जय हिंद जय देवभूमि उत्तराखंड, बाय बाय।